हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है वैद्युत रासायनिक स्फटिकीकरण। इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं और वो कभी भी सेट आता रहता है। विद्युत रासायनिक स्फटिक क्या है? लिखेंगे तत्वों, ब्रैकेट में धातुओं और अधातुओं, धातुओं और अधातुओं, तत्वों ब्रैकेट में धातुओं और अधातुओं, तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, वी रा श्रेणी ले सकते हो। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोडों के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, तत्वों में आता धातुओं और अधातुओं की बात। ठीक, बात आपको क्लियर हुई। अब क्या होता है इसके नीचे लिखेंगे कि IUPAC द्वारा IUPAC में तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वर्ल्ड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित या IUPAC द्वारा आधुनिक पद्धति में, ठीक है, आधुनिक पद्धति में मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को, मानक अपचयन विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है जो कि एक यूरोपियन पद्धति है। अर्थात आपका जो मानक इलेक्ट्रोडो है, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोडो माना गया। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। ये कौन सी पद्धति है? यूरोपियन पद्धति है। जबकि अमेरिकन पद्धति में वो आपके यहां नहीं चलती, आपके यहां यूरोपियन पद्धति चलती इसमें। ठीक, जबकि अमेरिकन पद्धति में मानक ऑक्सीकरण विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। तो आपके यहां कौन सी पद्धति चलती है? आपके यहां यूरोपियन पद्धति चलती है। ठीक, आपके यहां कौन सी पद्धति पर चलती है? यूरोपियन पद्धति। और अमेरिका में कौन सी पद्धति चलती है? मतलब अमेरिका में क्या चलता है? मानक ऑक्सीकरण विभव को मानक इलेक्ट्रोड माना जाता है, और आपके यहां मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड को माना गया। ठीक, बात से क्वेश्चन आया कि नहीं? अभी देखो, हम धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी बताएंगे आपको। ठीक, धातुओं की
देखो धातु में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दी होगी वो सब इस प्रकार से, देखो ये बता रहे हैं धातु के लिए, फिर भी धातु पढ़ोगे ठीक, धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी ये क्रम है, लीची सॉरी लिक बार सर काना, लिक बासर काना मग्गा एल्युमिनियम का, मन जन करके फेंक दो कोई नई श्रीनाथ प्रभाकर है, कापर एच जी ए जी पटना है ठीक, ठीक है इनका क्लिक बासर काना मग्गा एल्युमिनियम का मन जन करके फेंक दो कोई नहीं श्रीनाथ प्रभाकर है, कापर जी ए जी पटना है। धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ऊपर से नीचे ऐसे आएंगे ऐसे ठीक। मानक अपचिन्ह विभव के बढ़ते क्रम में बना होगा ठीक, अपचिन्ह क्यों, क्योंकि इसकी जो समीकरण देखेंगे वो इस तरीके की लिखी होंगी सब ऐसे, और इसका मानक अपचिन्ह विभव लिखा होगा इतने वोल्ट, इस तरीके से लिखा होगा ठीक, ऐसे के प्लस लिखा होगा, धीरे धीरे चले आओगे एच तक आ जाएगा नंबर, बाद में कापर का लिखा होगा ठीक, इस तरीके से इसका आएगा प्लस में लिखा होगा कितने वोल्ट ठीक, बात सबको सुना लेते हैं। तो जो ये सब अपचिन की समीकरण है, तो इनके जो इलेक्ट्रोड वो आएंगे वो मानक अपचिन इलेक्ट्रोड वो कहलाएंगे, क्योंकि यही आप क्या माने भी जाते हैं, ये आपको नहीं बनाना है, ये अपने ट्रिक बना लेना, समझा रहे हैं आपको ठीक। तो देखो हाइड्रोजन से जो ऊपर धातु में है, देखो बुक में अलग तरीके से दिए होंगे, उसमें हो सकता है मानक अपचिन्ह के घटते क्रम में बनाया हो, हम आपको जो है बढ़ते क्रम में बना रहे हैं, कि हाइड्रोजन से जो ऊपर धातु में है उनके मानक अपचिन्ह ऋणात्मक है, और जो हाइड्रोजन से नीचे धातु में है उनके मानक अपचिन्ह धनात्मक है ठीक। इसीलिए आप लोग बुक्स पढ़कर कंफ्यूजन मत करना, जो हम बताएंगे उसको क्लियर समझे या फिर भाई बुक्स समझो जैसा आपका मन हो। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर धातु में उनके मानक अपचिन्ह कैसे ऋणात्मक है, और क्योंकि हाइड्रोजन का जी होता है, और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं उनके मानक अपचिन्ह धनात्मक है ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे अधिक ऋणात्मक इसका है, सबसे अधिक धनात्मक इसका है, तो इसके अनुसार क्या होगा कि मानक अपचिन्हों के बढ़ते क्रम में जो धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी है वो मानक अपचिन्हों के बढ़ते क्रम में बनी हुई है ठीक, वहां लिखा था बढ़ते या घटते क्रम में। तो आप क्या अमेरिकन यूरोपियन पद्धति चलती है, मानक अपचिन्हों को बढ़ते क्रम में श्रेणी बनाई गई थी, तो आप लोग ये ट्रिक नोट कर लेना, फिर अब इसके विलक्षण कराएंगे और इसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ठीक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ट्रिक ठीक। लिख बासर काना मग्गा एल्युमिनियम का मन जन करके फेंक दो कोई नहीं श्रीनाथ प्रभाकर है, कापर जी ए जी पटना है। बात आपको क्लियर हो गई होगी ठीक। अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्वपूर्ण विलक्षण ठीक। पहला विलक्षण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में या वैद्युत बाध्य की चीज है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अपचयन की लिखी हो, अपचयन की लिखी हो तो उसका विभव विद्युत वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अपचयन की लिखी हो, जैसे ये क्रिया अपचयन की लिखी हो ठीक, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है, अपचयन इलेक्ट्रोड
और यदि इलेक्ट्रोड अक्रिया ऑक्सीकरण की विधि हो, यदि इलेक्ट्रोड अक्रिया ऑक्सीकरण और यदि इलेक्ट्रोड अक्रिया ऑक्सीकरण की लिखी हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड या ऑक्सीकरण विभव होता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया अपचयन की विधि हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है या अपचयन विभव होता है, और यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया ऑक्सीकरण की विधि हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक, जैसे ये अपचयन की विधि है तो ये आपकी अमेरिकन पद्धति है, सॉरी यूरोपियन पद्धति है, और जब ऐसे लिखी ऑक्सीकरण की, ये आपकी अमेरिकन पद्धति है, अभी पढ़ी थी आपने बताया था हमने। ठीक, क्योंकि जो आपके यहाँ पद्धति चलती है वो यूरोपियन चलती है, उसमें सब मानक अपचयन माना गया। ठीक, इसीलिए जो हम लक्षण पढ़ाएंगे उनको और जो आपकी बुक्स वगैरह लिखे हैं उनसे आपके भिन्न होंगे, थोड़ा ध्यान देना, इसलिए कायदे से कंफ्यूजन मत करना आपको। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि इलेक्ट्रोड अक्रिया अपचयन की लिखी हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव केवल लिख सकते हो, ये ना लिखो, और यदि इलेक्ट्रोड अक्रिया ऑक्सीकरण की लिखी हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ठीक, और मानक हो तो मानक लगा हो तो आप यहां ये चलता है मानक अपचयन विभव चलता है। ठीक, कि जो आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक अपचयन विभव ही माने जाते हैं। उसके बाद देखिए इस श्रेणी में हाइड्रोजन से जो अभिलक्षण बता रहे हैं उनको कंफ्यूजन मत करना, जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से तैयारी करोगे तभी ज्यादा अच्छा है। ठीक, और या फिर बुक्स वगैरह में तैयारी करना चाहिए उससे कर लीजिए। किस श्रेणी में हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक क्या होते हैं जो दूसरे को अपचित कर दे, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए। ठीक, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है और उनके मानक अपचयन विभव, क्योंकि आपके यहां मानक माना जाता है, मानक इलेक्ट्रोड को मानक अपचयन वाला ही माना जाता है। ठीक, और उनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक। ठीक, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है और उनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं या ऋणात्मक चिन्ह वाले होते हैं। बातें की चीजें जैसे इस तरीके से देखिए उसका के लिए, जैसे लिथियम का मानक अपचयन विभव -3.04 वोल्ट है। ठीक,
इस श्रेणी में हार्ड्रोजन सुपर वाला चायक हार्ड्रोजन से ऊपर स्थित है और उनके मानक अपचिन्ह ऋणात्मक चिन्ह वाले होते हैं। जैसे राई का मानक अपचिन्ह वो -3.04 वोल्ट है, यह हार्ड्रोजन से ऊपर है। ठीक, अगला पॉइंट तीसरा है, इसी प्रकार से ये इस श्रेणी में हार्ड्रोजन से दुर्बल अपचायक हार्ड्रोजन से नीचे स्थित है और उनके मानक अपचिन्ह वो धनात्मक चिन्ह वाले होते हैं। जैसे कॉपर पदार्थ इसका होता है +0.34 वोल्ट। ठीक, या आप लिखोगे तीसरा पॉइंट नहीं आया, आप लिखोगे क्या बताओ, लिखोगे इस श्रेणी में हार्ड्रोजन से प्रबल अपचायक सॉरी दुर्बल अपचायक, यहां पर लिखेंगे इस श्रेणी में हार्ड्रोजन से दुर्बल अपचायक हाइड्रोजन से नीचे स्थित है और उनके मानक अपचिन्ह धनात्मक चिन्ह वाले होते हैं। ठीक, सुना रहा कि नहीं, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल बता दे रहे लैंग्वेज आप लिख लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हाइड्रोजन से नीचे स्थित है और उनके मानक अपचिन्ह धनात्मक चिन्ह वाले होते हैं। जैसे कॉपर का मानक अपचयन विभव +0.3 वोल्ट है। जैसे कॉपर का मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट है। बात आपको तीन पॉइंट में क्लियर हो गई होगी। ठीक, ध्यान रखिए हाइड्रोजन से नीचे अभी साड़ी बनाई थी और वो हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ध्यान में कैसे लिखेंगे आपको समझा दिया, लिख लेना। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। ठीक, ये बताएंगे आप हम, किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचिन्ह विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि वह किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचिन्ह का ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह ऋण चिन्ह यहां प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE लिख सकते हो। ठीक, ये लिखा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वर्ण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आपने भी मेरे को पढ़ा होगा, गैल्वेनी से पढ़ी होगी, वहां पर ध्यान दिया होगा, ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बने गैल्वेनिक सेल में, जो हमने डेरियल से पढ़ा था उसमें ध्यान दिया होगा। तो जो भैया आपने जिंक का बनाया होगा, कॉपर का बनाया होगा, तो देखा होगा जिंक वाला इधर होगा, हाइड्रोजन वाला उधर होगा। तो किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचिन्ह का ऋण चिन्ह यहां प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बने गैल्वेनिक सेल में यह इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव अर्थात राइट सेक्टर एनोड का कार्य करता है। ठीक, आपने देखा होगा लेफ्ट में था बड़े गैल्वेनिक सेल में यह इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड धन ध्रुव
ब्रैकेट लिखेंगे कैथोड, क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड को का रंच नहीं प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बने गैलेरिक सेल में यह इलेक्ट्रोड ऋणध्रुव का कार्य करता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड धन ध्रुव का कार्य करता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम जिंक का ही निकाला था, जिंक का देख लो, ऐसे पढ़ा था आपने। ठीक, यह आपका रेड का काम कर रहा था कि भाई जिंक जानते विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है और यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस पर ऑक्सीकरण, इस पर अपचयन, गैस चौक पीटी सकते हो, प्लेटिनम सॉलिड ये बनाया गया था। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बात सबको सुनाया कि नहीं भाई? इसका मानक अपचिन्ह ऋणात्मक होता है तो किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचिन्ह का ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बने गैलेरिक सेल में यह इलेक्ट्रोड ऋणध्रुव का कार्य करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपका होगा मानक हाइड्रोजन वाला वो धन ध्रुव जो है धन ध्रुव या कैथोड का कार्य करता है। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? पांचवा पॉइंट देखिए कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचिन्हों का धन चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको कि किसी इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड के मानक लिखना है, किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का धन चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का धन चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के साथ बने गैल्वेनिक सेल में यह इलेक्ट्रोड धन ध्रुव को ले सकते हो कैथोड का कार्य करता है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव मतलब क्या होगा, एनोड का कार्य करता है। किसी एक इलेक्ट्रोड के मानक चिन्हों का धन चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बने गैल्वेनिक सेल में यह इलेक्ट्रोड धन ध्रुव का कार्य करता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जो भी आपने बनाए दिए होंगे डेनियल सेल के बाद हमने एग्जांपल आपको पढ़ाया था कि धातुओं के इलेक्ट्रोड को कैसे निकालते हैं। जिंक का पढ़ा होगा, कॉपर का निकालना पढ़ा होगा, वहां ध्यान दिया होगा। देखो भैया, यहां पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा, इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी, यह हाइड्रोजन गैस होगी, आपका H प्लस लिखा होगा, देखना आप लोग उधर की चाहते हैं, आप प्लेटिनम भी सकते हो क्योंकि प्लेटिनम से बनाया जाता है, यह आपका रेड। ठीक, इस पर ऑक्सीकरण किया हो रहा है,
और अगले वाले परक्षेन ये पढ़ा होगा कापर वाला, ठीक, या आपने जली हुई पढ़ा होगा और या आपने सॉलिड पढ़ा होगा, ठीक, ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है, आपको देखिएगा पीछे लिखा होगा जिंक का ज्ञात करना और कापर का ज्ञात करना, वहां इस तरीके से पढ़े होंगे। ये दो अभिलक्षण क्लियर हो गए होंगे आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक चिन्हों का धन चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, इसका इलेक्ट्रोड को धन चिन्ह वाला है, इसका ऋण वाला है, विद्युत रासायनिक श्रेणी धातु की बनाई थी उसमें हम जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, कापर हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक, बात को समझ रहे हैं भाई, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, कापर नीचे है, इसका मानक चिन्ह ऋणात्मक है, इसका मानक चिन्ह धनात्मक है, धनात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ध्रुव के साथ बने गैल्वेनिक सेल में, या इलेक्ट्रोड आपका धन ध्रुव है, या धन ध्रुव अर्थात कैथोड का कार्य करता है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव एनोड का कार्य करता है। बात सबको समझ आई नहीं, आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक। अब आपको पढ़ा रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, देखो अभिलक्षण आपके चार पढ़ा दिए हैं, कुछ अभिलक्षण इसमें भी आते रहेंगे, हम बता देंगे तो आप नोट कर लेंगे, ठीक, चाहो तो आप पांच छह लाइनें छोड़ दीजिए, क्योंकि तीन अभिलक्षण इन्हीं से निकल कर आएंगे, आपको बताएंगे, ठीक, उसे बताते जाएंगे, आप नोट करते जाना, ठीक, पांचवा छठा सातवां तीन अभिलक्षण और पढ़ाएंगे आपको, तो चार अभिलक्षण पढ़ा दिए, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, पांचवा छठा विक्षण, पांचवा अभिलक्षण इसी में आ जाएगा, छठा सातवां आपको आगे मिलेगा, वहां नोट कर लेंगे, ठीक। लेकिन इसीलिए ध्यान रखना कि आप आधा पे छोड़कर हेडिंग डाल देना विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है धातुओं की रासायनिक सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, ठीक। इसमें क्या होगा कि धातुओं की रासायनिक सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, धातुओं की, यहां लिखेंगे धातुओं की रासायनिक सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, धातुओं की रासायनिक सक्रियता अभिक्रियाशीलता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, या धातुओं की रासायनिक सक्रियता अभिक्रियाशीलता धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती थी, या लिखेंगे उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, धातुओं की रासायनिक सक्रियता अभिक्रियाशीलता उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक, कि जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी रासायनिक सक्रियता उतनी अधिक होगी। यहां पर लिखेंगे कि जिस धातु, चाहे नई लाइन से लिख देना, जिस धातु का मानक कक्षीय विभव, मानक कक्षीय विभव जितना अधिक ऋणात्मक है, जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, या कम धनात्मक है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है, वह धातु उतनी अधिक अभिक्रियाशील या सक्रिय, बात एक ही चीज है, अभिक्रियाशील
या ले सकते हो सक्रिय है। ठीक, जिस धातु का मानक अपचुंबक गुण जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है वह धातु उतनी अधिक अपक्रियाशील है या सक्रिय है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वीरा सड़ी में विद्युत रासायनिक सड़ी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता या क्रियाशीलता घटती है। ठीक, यह विलक्षण पांचवा नोट कर लेना, आप पांचवा विलक्षण यह है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है। ये पांचवा विलक्षण नोट कर लेंगे यहां से, ये पांचवा विलक्षण हो गया, वीरा श्रेणी में या विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है। अभी एग्जाम्पल बताएंगे आपको, भैया हमने श्रेणियों पढ़ाई थी कि आर्गन से ऊपर इनके मानक चिन्ह ऋणात्मक है, इसका आपका जीरो है, और आर्गन से नीचे इसके मानक चिन्ह धनात्मक है। तो जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है वह धातु उतनी अधिक सक्रिय है। ठीक है, अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे तो सक्रियता घटेगी। पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जिस धातु का मानक चिन्ह जितना अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है वह धातु उतनी अधिक अपक्रियाशील है या सक्रिय है। अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है, यह आपका पांचवा विलक्षण भी है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल कि जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस है, तो याद होंगे जिंक का अपन के तो आपको मालूम होंगे जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस कितने वोल्ट है और कॉपर का मानक अपचयन विभव प्लस कितने वोल्ट है। ठीक, बात को सुना है कि नहीं, तो ये अधिक ऋणात्मक है, तो आप लिखेंगे इसलिए